आप सब 2021 इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ, और जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे, मैं किस चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ? GCP पे है ना, क्विक लैप्स पे। अगर ये चैनल का तो एम नहीं था फिर तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे न्यू ईयर की रिजोल्यूशन के बारे में, ठीक है? काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकता है इफ़ यू आर ऑन द सेम ट्रैक एज आई एम। तो देखो, मेरा न्यू ईयर का जो रिजोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, 2021 माई न्यू ईयर रिजोल्यूशन, ठीक है? तो डी एस एल गो की बात आती है पहले, ठीक है? मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल अभी मैं छत में आ रखा हूँ एंड यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है ना, तो बताना था मेरे को तो सोचा ही जाता हूँ। तो डी एस एल गो जो है इसके ऊपर महारत हासिल करनी है। अच्छा, 1 से लेके जो 5 तक हैं उनको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहने का मतलब है कि 1 जो है मेरा मेन फोकस रहेगा ऑल द ईयर, ठीक है? पूरे साल के लिए डी एस एल गो मेरा मेन फोकस रहेगा, एंड गोइंग डाउन तो प्रायोरिटी कम होती जा रही है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये हो गई। तो डी एस एल गो की बात करें तो मेरा क्या एम है इसमें कि इसके अंदर यार महारत हासिल करनी है, ठीक है? ऐसा बन जाना है कि एकदम आग लगा दें। कैसे आग लगेगी? दो चीज़ों का मेरा एम है यहाँ पे। द फर्स्ट थिंग इज़ टू बिकम 5-स्टार कोडर, स्टार कोडर एट कोड शेफ, ठीक है? कोड शेफ में 5-स्टार कोडर बनना है भाई मेरे को। 5-स्टार की थोड़ी फीलिंग दे देता हूँ, 5-स्टार बना के, ठीक है? तो दिस इज़ 3, 4, 5 5-स्टार। एंड सेकेंड थिंग इज़ आई वॉन्ट टू बिकम अ रेड कोडर। अच्छा, जो लोग कोड फोर्सेस के प्लेटफॉर्म से वाकिफ़ हैं, ठीक है, जिनको कोड फोर्सेस के बारे में पता है, तो यार रेड कोडर वो होते हैं कोड फोर्सेस में जो एकदम टॉप लेवल होते हैं, ठीक है? मतलब बढ़िया होते हैं, एकदम आग होते हैं। तो रेड कोडर बनना है यार कोड फोर्सेस में मेरे को। ये मेरा एम है 2021 का, यानी 5-स्टार एट कोड शेफ एंड रेड कोडर एट कोड फोर्सेस। बहुत फ़ायदे हैं यार इसके। अगर कोई कंपनी तुम्हें इंटर्नशिप देगी ना तो तुम्हारे देखेगी कि जरा अपनी कोड शेफ की प्रोफाइल दिखाओ, अपनी कोड फोर्सेस की प्रोफाइल दिखाओ, तब क्या बोलोगे कि भैया 1 स्टार है? अभी मैं आपको ईमानदारी से बता दूँ तो आई हैव ओनली 1 स्टार, ठीक है? उसको बदलने वाले हैं हम। सेकंड चीज़ जो आती है यार, ये काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकता है लोगों के लिए, ठीक है? और मेरे लिए, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा कि अभी शुरू कर दूंगा, मगर शुरू जरूर करूंगा, देखना। इस ईयर में ही होगा, और इनफैक्ट मैं जनवरी के एंड तक, मतलब अभी जो पेपर होने वाले हैं हमारे, ये IPO में जो ऐसे अटका के रखते हैं ना लोगों को, एनीवेज पेपर के बाद 100 डेज ऑफ कोड, या मैं सोच रहा हूँ कि अभी से यार जनवरी में रिजोल्यूशन सा ले लूँ कि 100 डेज ऑफ कोड में कॉटलिन को समर्पित कर दूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ वेब डेवलपर, ठीक है? इंटरमीडिएट, आई एम नॉट सेइंग कि एडवांस चले जाऊँगा, मगर इंटरमीडिएट एटलीस्ट बन सकते हैं यार, 100 डेज ऑफ कोड विद कॉटलिन। तो सेकेंड चीज़ हो जाएगी मेरी ग्रिप हासिल करना इन ऐप डेवलपमेंट, ठीक है? ऐप डेवलपमेंट में देखो, मैं आपको अपना 2020 का रिजोल्यूशन बता देता हूँ। इन 2020 मैंने जो रिजोल्यूशन लिया था तो बोला था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है? तो मैंने फुल स्टैक के बारे में सीखा। ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम ही मैं हवा में आ गया एकदम। मैंने फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों सीखे, ठीक है? बैक एंड दोनों सीखे, तो अब मेरे को फुल स्टैक की पूरी एक तरह से नॉलेज तो है, ठीक है? फ्रंट टू बैक गया था मैं, इट वॉज नॉट ईजी टास्क फॉर मी, इट टुक अराउंड 6 मंथ, ठीक है? मजाक नहीं था, इट टुक अराउंड 6 मंथ एंड मोर देन दैट, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वर वेरी हार्ड। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कर दिए, ठीक है? आई विल टेल यू मोर अबाउट दैट इन अपकमिंग वीडियोज, बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स रिमूव दिस, है ना? तो टॉकिंग अबाउट 2021, तो ये जो है हमारा 100 इज ऑफ कोड कॉटलिन में करेंगे हम यार, ऐप बना डालेंगे, प्ले स्टोर पे छाएगी ऐप, ऐसा कुछ करना है, ठीक है? इफ़ यू आर ऑल्सो इंस्पायर्ड, इफ यू आर ऑल्सो मोटिवेटेड, देन गो अहेड फॉर 100 डेज ऑफ कोड। आपको मैं, अगर आपको चाहिए तो आई विल गिव द लिंक कि क्या होता है ये 100 डेज ऑफ कोड। तो दे आर सेट ऑफ रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस चैलेंज के दौरान। इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज जो 100 दिन तक चलता है, ठीक है? तो आप किसी भी चीज़ में यू कैन सक्सीड इन एनी थिंग बाई यूजिंग दिस, ठीक है? नेक्स्ट थिंग आती है JSNPY, यानी JavaScript एंड Python। JavaScript जो है बहुत ही यार ऐसी चीज़ है कि नेवर एंडिंग थिंग है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ भी हो सकती है इससे। वेन टॉकिंग अबाउट DSLGO इन JavaScript एंड Python, थिंग्स आर चेंज, ठीक है? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि DSLGO सिर्फ C++ या C वालों के लिए ही होती है। फॉर एवरी लैंग्वेज देर इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो वी आर गोइंग टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन JavaScript एंड Python। नो टॉकिंग अबाउट Python, तो Python जो है वो अकेला थोड़ी है भाई, Python के अंदर बहुत कुछ है यार। Python जो है इसके अंदर इतनी लाइब्रेरी है, हर लाइब्रेरी का काम है। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट विद इन विच हम API का काम करेंगे, ठीक है? Python से खूब सारे इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है? अलग अलग लाइब्रेरीज़ को हम डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में वर्क करना सीखेंगे। तो इट्स नॉट अ ईजी वर्क। फिर मैंने बोला प्रायोरिटी ऑर्डर में है, तो दिस वॉज द थर्ड वन। सो थर्ड इज़ JavaScript एंड Python। नो टॉकिंग अबाउट फोर्थ थिंग, एंड दिस इज़ द थिंग विच आई वॉज ऑल्सो, मैंने क्या करा था, इसका रिजोल्यूशन लिया था इन 2020 ऑल्सो टू लुक इन सम ऑफ द डेवलपमेंट थिंग्स। तो आई विल एक्सप्लोर AWS, ठीक है? Amazon वेब सर्वर, मतलब इसके बारे में जानेंगे, ब्लॉकचेन के बारे में, DevOps, PHP, Maya क्या होता है। इफ़ यू डोंट नो देन Maya इज़ एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर,
ठीक है, एक हैवी सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने डाउनलोड करा था, एंड दैट टाइम आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दैट है, तो मैंने लगभग 6 आवर्स लगे थे मेरे को इसको डाउनलोड करने में, बिकॉज नेट की उस टाइम कनेक्टिविटी बहुत लो थी और आई वॉज वेरी डिटरमाइंड। मैंने मम्मी का 2 दिन से नेट यूज़ कराया यार, 2-2 GB उड़ा दी हवा में इसको डाउनलोड करने के लिए, एंड नाउ इट इज़ प्लेस समवेयर इन कॉर्नर ऑफ कंप्यूटर, मतलब मेरे कंप्यूटर में ऐसी जगह पड़ रखा है वो, आई एम नॉट यूजिंग इट, क्योंकि शुरू में मेरे को बहुत चाव था इस चीज़ का कि हाउ द एनिमेशन वर्क्स, एंड नाउ थिंग्स आर नॉट दैट गुड, बट आई स्टिल लव एनिमेशन। तो हम माया के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है ये और काफ़ी फेमस है फॉर एनिमेशन, तो जो मूवीज़ बनी है, जैसे आप बात कर लो एवेंजर्स की, एवेंजर हो गई, बाहुबली हो गई, तो ऑल दीज मूवीज़ यूज सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ग्राफिक्स, एंड माया इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग 3D ग्राफिक्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आई वॉज क्रिएटिंग अ टेबल फॉर दैट, एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट इट। ओके, नाउ कमिंग विद एडोब, एडोब फॉर फोटोशॉप एंड फॉर लोगो डिजाइनिंग और फॉर स्टिकर्स और डूइंग समथिंग फन विद इट, ठीक है। नाउ कमिंग विद इथिकल हैकिंग, यार इथिकल हैकिंग का हर किसी को नाम सुनते ही यार हैकर हो जाता है ना, मैंने काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि हैकर भी नाम रख रखा है मैंने अपना, एंड के हैकर भी कहता हूँ कभी कभी, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट मेरे, सबको इंटरेस्ट होता है हैकिंग का, तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लोर इन दिस फील्ड, ठीक है। बहुत कुछ है यार एक्सप्लोर करने को, इट द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। सो मैंने जो कुछ लिस्ट आपको दिखाने के लिए लगाई है यहाँ पे वो है ये, ठीक है। तो आप जरूर इसके बारे में देखना और कुछ ना कुछ सीखना, ठीक है। नाउ कमिंग विद मोनेटाइजेशन, तो मेरे पास एक असल में 2 वेबसाइट्स हैं, एंड दैट इज़ इफ़ यू डोंट नो देन दीज वेबसाइट्स आर क्रैककोर्स CoURSE.com, ओके, लेट्स सी बी स्मॉल ओवर हेयर, एंड द सेकेंड इज़ linkopedia.me। तो ये 2 वेबसाइट्स हैं यार मेरे पास, एंड दे आर नॉट मोनेटाइज। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही आई एम अ वेरी परफेक्ट गाय, एंड मैंने भाई आई हैव ट्राइड अ लॉट टू डू थिंग्स, एंड धीरे धीरे सीखा जाता है, ठीक है। तो आई एम वर्किंग ऑन दीज वेबसाइट्स, एंड आई विल ट्राई टू मोनेटाइज बोथ ऑफ देम इन 2021। सो से बेस्ट ऑफ लक टू मी इन कमेंट सेक्शन इफ यू आर स्टिल लिसनिंग दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय द वे। नाउ कमिंग विद यूट्यूब, तो मेरे पास यार 2 चैनल्स हैं, इफ यू नो कि मतलब है तो खूब सारे, मगर 2 चैनल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, टेकेड है दोनों, ठीक है। जो टेकेड का एम था मैं आपको बता देता हूँ कि व्हेन आई वाज मेकिंग दिस यूट्यूब चैनल, देन आई वाज डिटरमाइंड कि जो भी मैं टेक रिलेटेड वर्क करूँगा वो मैं टेक की वीडियोस में डालूंगा, एंड टॉकिंग अबाउट एजुकेशन आई विल मेक सम एजुकेशनल वीडियोस। बट हुआ क्या कि यार मैं टेक पे ही लगा रहा, ठीक है। तो यू नो माई न्यू चैनल इज अगेन टेकेड, बट फॉर NCERT CBSE काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो उसके लिए मैं उन दोनों को मोनेटाइज करने की पूरी कोशिश करूंगा इन 2021, एंड बाय योर सपोर्ट प्लीज़, इफ़ यू कैन सपोर्ट इन एनी सेंस देन वुड बी ग्रेट। अपने दोस्तों को अगर बोल सकते हो कि होता क्या है कि कभी अच्छा चैनल मिल जाता है तो अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं, या मैं ट्रेंड टॉपिक तो कुछ बना दूंगा तो हो जाए, ठीक है, बट तुम्हारी हेल्प के बिना नहीं हो पाएगा। सो इफ़ यू आर वॉचिंग, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस, प्लीज़ शेयर दिस एंड टेल योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। फिर बात आती है फ्रीलांसर की, आई विल ट्राई टू अर्न मनी बाय freelancing, एंड यू नो freelancing में मतलब लोगो डिज़ाइन करना, तो एडोब का काम आ गया, ठीक है। अब आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि freelancing जो करते हैं तो उनको नहीं मिलता है जो आसान सा काम कर देते हैं। देखो, इफ़ अ 10th pass person कैन अर्न मनी एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग, ठीक है, तो तुम्हारा इतना पढ़ाई करने का कोई मकसद नहीं है। डू समथिंग हटके, ठीक है, सबसे हटके काम करना है, एंड देन यहाँ पे freelancer का काम होता है। मान लो कि तुम्हें ऐप डेवलपमेंट आ गई, एंड यू आर वर्किंग विद सम फॉरन पीपल्स इन अ पर्टिकुलर ऐप यूजिंग कॉटलिन लैंग्वेज, हाउ ऑसम इट इज़, दे विल पे यू डेफिनेटली दैट यू आर हेल्पिंग इन अ कॉम्प्लेक्स चीज़ पे, है ना। फिर बात आती है आखिरी, थैंक्स फॉर लिसनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, देन 6th इज़ माई सीक्रेट। तो ये जो सीक्रेट है कि मैं 30 दिन मतलब 30 मिनट्स एवरी डे आई विल कमिट टू दिस, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल दिस, सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ माई सीक्रेट रिजोल्यूशन, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट बैड, आई मीन इट्स वेरी गुड, बट आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी रीज़न फॉर दैट। सो जो मेरा 6th रिजोल्यूशन रहेगा वो एक सीक्रेट है, और मैं उसमें पूरा डेडिकेटेडली काम करूंगा। तो मैंने 1 से लेकर 5 को डिक्रीजिंग में बोला, मगर मैंने 6 की बात नहीं की, बिकॉज आई एम वेरी डिटरमाइंड फॉर दिस, ठीक है। उतना टाइम मैं निकाल के रहूंगा अपने 24 आवर्स में से 30 मिनट्स फॉर दैट, एंड आप लोगों का भी एक सीक्रेट रिजोल्यूशन होना चाहिए अपने आप से, खुद से, कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि जब भी मैं यूट्यूब चलाऊं तो रिकमेंडेशन से मैं दूर हटके रहूंगा, रिकमेंडेशन की तरफ आँख भी उठा के देखूंगा, बस ये समझ लो, ठीक है। तो क्या होता है, यूट्यूब ने कुछ ऐसे एल्गोरिदम बना रखे हैं यार कि इफ़ यू आर वॉचिंग अ पर्टिकुलर वीडियो, एंड क्या होता है, तुम एक वीडियो देखते हो देन यू विल सी रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो YouTube ने इतनी चालाकी कर रखी है कि यू आर देयर टू वॉच ओनली 1 वीडियो एंड यू टर्न आउट टू वॉच अराउंड 14-15 वीडियोस। आई एम नॉट सेइंग वोल, बट थोड़ा बहुत तो, यानी YouTube इज़ गिविंग यू अ ट्रैप, ठीक है। YouTube चाहता है कि यार तुम उन लोगों की वीडियोज़ देखो और एड्स आए, रेवेन्यू आए और काम चलता रहे, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा बच के, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारी वीडियोज़ बेकार ठीक है, बहुत अच्छी भी हैं। एनीवेज, वीडियो लंबा हो चुका है काफ़ी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू आर वॉचिंग थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और रही बात यार रिजोल्यूशन की, तो तुम सबका भी एक बढ़िया सा रिजोल्यूशन होना चाहिए, एंड इफ़ पॉसिबल कमेंट डाउन योर रिजोल्यूशन, आई विल लुक इन टू इट एंड गिव अ हार्ट, आई लव टू गिव हार्ट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, और तुम्हारा 2021 गोना बी रॉक, आई
आई होप और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड डैड.